हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम सबको। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी हमारा घर जहाँ पर है वहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी आता है तो अच्छे से आ जाता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो पहले मैं यहाँ से घर से बाहर जाके 6-7 किलोमीटर आउट में जाके मैं वीडियो शूट करता था, अपना वीडियो अपलोड करता था मैं। लेकिन अभी बारिश की वजह से कभी बारिश होती है तो नहीं जा पाता हूँ। तो जो सुबह 5:30 बजे का हमारा वीडियो का टाइमिंग है, अगर उस टाइम पे वीडियो नहीं आता है तो दिन में 11 या 12 बजे के आसपास मैं अपलोड कर लेता हूँ उस वीडियो को। तो सुबह अगर मेरा वीडियो नहीं मिलता है आप लोगों को तो 12:00 बजे ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस टाइम तो मैं कहीं भी जाके अपलोड करके आ जाता हूँ फिर, क्योंकि रात में ही नेटवर्क हमारे यहाँ पर थोड़ा सा ठीक आता है, नहीं तो दिन में तो नेटवर्क ठीक रहता नहीं है। और बारिश नहीं होती तो मैं बाहर जाके अपलोड कर ही लेता हूँ वीडियो। तो यही एक आप सभी से छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी मेरी। तो अभी 2-3 दिनों से बारिश नहीं हो रही है तो काफ़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जो हम लोगों ने धान लगाना स्टार्ट किया था, हमारे दोनों खेतरों में धान लग के आज कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो मक्की वगैरह थी उसमें साफ़ सफाई का काम चल रहा है, जो घास वगैरह फालतू का निकला हुआ था उसको निकाल रहे हैं। और अभी तो हवा हल्की हल्की चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश अभी काफ़ी दिनों से आई नहीं, क्योंकि आज भी हमने खेत में पानी भर के धान को लगाया है, पूरे खेत भी सूख गए थे। तो रात का लाइट था तो हम लोगों ने उसमें मोटर शुरू करके पानी भर के फिर हम आज धान लगा के उसको कंप्लीट किया है। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे दोनों के दोनों खेत है जिसमें हमने धान लगा के कंप्लीट कर दिया है। ये देखो एक खेत मेरे पीछे है, ये तो कल परसों कंप्लीट हो गया था ये, और ये वाला खेत है जिसको आज कंप्लीट किया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फालतू का घास हो गया था जिसको निकालने में काफ़ी टाइम लग गया। तो एक ये वाला खेत है, ये भी कंप्लीट हो गया। तो अभी बारिश नहीं हो रही है तो ये खेत पूरा सूख गया था, तो इसमें आज सुबह ही मोटर स्टार्ट करके पूरा खेत मैंने भरा है इसमें। और इस वाले खेत में भी पानी नहीं था, पहले इसको भरा उसके बाद मैंने दूसरे वाले खेत को भरा। तो ऐसे करके ये वाले खेत हमारे दोनों के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। हर साल हम वो नीचे वाला जो दिख रहा है उसमें भी लगाते थे लेकिन इस साल हमने छोड़ दिया है, क्योंकि मजदूर वगैरह मिलते नहीं हैं इतने ज़्यादा, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया है। तो ये दो खेतों में से धान इतना निकल जाता है कि पूरे साल आप आराम से खा सकते हो, इतना इन दोनों में से निकल जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मजदूरों की छुट्टी कर दी है हमने, दोपहर का टाइम हो गया। तो हमारे ये मज़दूर भी घर आ गए हैं, आते ही देखो इन्होंने आम खाना शुरू कर दिया है, और 2 आम यहाँ पर भी रखे हुए है, 1 आम खा रही है, 2 साथ में लेके बैठी हुई है। अभी खाना तो खाया नहीं, बोला आम ही खाती हूँ पहले, खाना बाद में खाती हूँ। तो ये देखो आम खाने बैठ गई है अभी। अभी भी हमारे यहाँ पर आम की सीजन गई नहीं है, अभी भी पेड़ पे लगे हुए है, तो बीच बीच में जाके ले आते, अभी बीच में ले आए थे 10-15 आम, तो वही अभी चल रहे है चौमासे के आम। और अभी यह घर आ गई है तो मैं चलता हूँ, थोड़ा सा कुछ सामान लेके आना है खेत में, मजदूरों को चाहिए जो मकाई के बीच में घास है उसको उखाड़ने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, खरपड़ा कोदाली, हमारी लैंग्वेज में तो उसको कोदाली बोलते हैं, बाकी हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो लेके आना है। तो अभी मैं जाता हूँ लेके आता हूँ, यही नज़दीक में है, 10 से 12 किलोमीटर होगा दूर, एक छोटा सा सिटी है, वहाँ पर जाके लेके आता हूँ मैं, ताकि शाम को मजदूर आए तो उनके लिए काम करने में आसानी हो जाए। तो अभी मैं जाता हूँ लेके आता हूँ, देखता हूँ क्या क्या मिल जाता है मेरे को। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, और शाम के 5:30 बजे का टाइमिंग हमारे दूध निकालने का होता है। अभी भैंस ने बच्चा दे दिया है तो अभी डेली 5:30 बजे शाम को और सुबह 5:30 बजे, ये दोनों टाइम हमारा दूध निकालने का टाइम होता है। तो ये देखो पीछे रेखा दूध निकाल रही है मस्त बैठ के,
और ये है भैंस का बच्चा जिसको हमने पहले दूध पिला दिया। तो पहले इसको छोड़ना पड़ता है, तब ये भैंस दूध उतारती है। उसके बाद इसको साइड करके हम लोग दूध निकालते हैं। तो इसको भी काफ़ी दूध हम पीने के लिए रख देते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो हम निकाल लेते हैं। तो अभी डेली सुबह शाम की एक ड्यूटी हमारी शुरू हो गई है दूध निकालने वाली। अभी तो रेखा ही निकालती है, मैं नहीं निकाल रहा हूँ। मैं भी निकालूँगा, बाद में निकालूँगा, टाइम मिलेगा तब। तो अभी तो डेली रेखा ही निकाल रही है। अभी मेरे को भी थोड़ी थोड़ी आदत लगाना पड़ेगा, नहीं तो कभी दूध निकालने की बारी आ गई उस टाइम पे निकाल नहीं पाएंगे फिर। तो ये अंगूठा थक जाता है दूध निकाल निकाल के, इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो हम दोनों मिलके निकालते रहते हैं दूध, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे। तो अभी टाइम हो गया है तो रेखा जल्दी जल्दी निकाल लेती है। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरे को उतना दूध निकालने की प्रैक्टिस नहीं है। हफ्ता 10 दिन निकालूंगा तब जाके थोड़ी आदत सी बन जाएगी, तब जाके फिर कंटिन्यू मैं निकालते रहूँगा दूध। तो अभी इसको टाइम मिल गया है अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए। तो ये चाट रही है भैंस, इसको पूरा गीला कर दिया सिर सुर सब। नहीं तो इसको दूर बांधते हैं थोड़ा सा हम, ताकि नहीं तो भैंस पीछे घूम के उसको दूध पिला देती है। तो पिछले बार वो पीछे बड़े वाला बच्चा है उसका, तो वो कई बार उसको पिला देती थी ऐसे दूध, इसलिए इसको थोड़ा सा दूर बांधना पड़ता है। तो ये ज़्यादा दूध भी पी लेते तब भी इनको प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इनको लिमिटेड दूध पिलाना पड़ता है। तो अभी ये देखो इतना बड़ा हो गया, अभी जंप मारता है अच्छे से ये। तो ये हमारा मिल्किंग टाइम है, जो एक्चुअली रियल दूध निकालते हैं वो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि दूध कैसे निकालते हैं हम लोग। नहीं तो अभी तो मशीन भी आ गया है, मशीन से भी निकालते हैं। नहीं तो ये हमारा दूध निकालना कंप्लीट हो गया। अभी देखो इसको एक बार और छोड़ के दूध पिलाना पड़ता है, दो बार छोड़ना पड़ता है, पहले भी और लास्ट में भी। लेकिन इसको मम पकड़ना आता नहीं है, इसको पकड़ाना पड़ता है। देखो इसको ऐसे करके पकड़ाना पड़ता है, इसको ऐसे डायरेक्ट पकड़ना आता नहीं है अभी भी। अब ये खाते रहेगा, ये खा लेगा, उसके बाद इसको दोबारा बांध देंगे हम लोग। तो ये हमारा मिल्किंग का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया अभी। तो हम लोग ऐसे दूध निकालते हैं भैंस का, तकरीबन सभी ऐसे ही निकालते हैं, कोई इसमें अलग सिस्टम नहीं है, लेकिन इसका इतना क्लोजली कोई दिखाता नहीं है। जब खा के एकदम मस्त हो जाएगा फिर पूरा दिन सोते रहता है ये भी, सुबह खा के भी पूरा दिन सोते रहता है, अभी सो जाएगा फिर खा के। हो गया, चलो फिर मैं तो दूध को डेयरी में ले जाने का टाइम हो गया है, तो मैं चलता हूँ। रेखा इसको बांध के फिर आएगी बाद में घर।